दोस्तों, आज की ज़िंदगी में दुबई जाना हर किसी को पसंद है, क्योंकि दुबई में लग्जरियस और महंगे चीज़ों के अलावा वह सब कुछ मिलेगा जो हर किसी का पसंद का होता है। दुबई में दुनिया की सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर 7-स्टार होटल तक मौजूद है। सो आज हम बात करने वाला है दुबई की रॉयल फैमिली और क्राउन प्रिंस शेख हमदान की बायोग्राफी के बारे में। तो हमदान की बायोग्राफी जानने के लिए और देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। शेख हमदान बिन मोहम्मद की जन्म 14 अक्टूबर 1982 को दुबई में हुआ है और उनकी एज है 38 इयर्स। हमदान की फुल नेम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम, आज उन्हें हर कोई फज्जा नाम से जानता है, अरबिक में जिसका मतलब होता है लोगों की मदद करना। शेख हमदान की पिता का नाम शेख रसीद जुमा अल मक्तूम और उनकी माँ का नाम शेखिया बिनत सईद बिन अल मक्तूम। हमदान ने अपनी एडुकेशन दुबई की मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी से की है। और बाद में हमदान ने लंदन की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपना डिग्री हासिल की। दोस्तों, हमदान के जन्म दुबई की एक रॉयल फैमिली में हुए है। उनकी 8 भाई और 13 बहने। हमदान बिन मोहम्मद बचपन से गेम और स्पोर्ट्स के शौकीन रहे हैं। शेख हमदान ने कई सारे स्पोर्ट्स में मेडल हासिल। हमदान ने स्पोर्ट्स पर उनकी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने 2 बार गोल्ड और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है। हमदान ने बचपन से अपने पिता रशीद अल मक्तूम से पॉलिटिक्स के बारे में सीखते आए हैं। मोहम्मद बिन राशिद की सबसे बड़े पत्नी की बेटे शेख हमदान बचपन से ही अपने पिता जैसे बनना चाहते थे। हमदान की सक्सेस और पावर देखते हुए साल 2008 में उन्हें क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई का खिताब दिया गया। दुबई के क्राउन प्रिंस बनने के बाद हमदान ने लोगों के लिए काफी सारे नया रूल्स बनाई है। दुबई के स्पोर्ट्स और ऑटिज्म सेंटर को आज हमदान ही संभालते हैं। हमदान बिन मोहम्मद को एनिमल्स पालने का काफी शौक है, इसीलिए उन्होंने अपने फार्म हाउस पर काफी सारे एनिमल्स पाल रखा है। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, हॉर्सेस और भी तरह तरह की एनिमल्स पाल रखा है। साल 2019 में हमदान ने शेखिया से शादी कर ली। इन दोनों की शादी दुबई की एक बहुत बड़ा शादी इनकी शादी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी। लग्जरियस और एक्सपेंसिव लाइफ जीने वाला दुबई प्रिंस के पास आज प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट और सोने से बनी प्राइवेट गाड़ियां मौजूद हैं। वैसे दोस्तों, मैं अगर दुबई प्रिंस की दौलत और शोहरत के बारे में बताते रहूं तो पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन ख़त्म ही नहीं होगा। दुबई प्रिंस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना अनलाइक कर देना। लेकिन लेकिन दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़र्ज़ बनता है।